हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जल्दी। मुझे पता है लेट हो गया है, बहुत सारे वीडियो अभी बाकी है करने के लिए, ब्रेन टीचर भी बाकी है। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको। अरे अरे, ग्रीन ले लिया हमने, ब्लू ले लेते हैं। चलो देखो, तो एरिया पे सर्कुलर लॉन हमें यहाँ पर गिवन है, एरिया गिवन है, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ए सर्कुलर लॉन कितना गिवन है हमें यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन हमें कितना गिवन है, 154 मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इक्वल टू, देखो कहाँ पर, यहाँ पर इक्वल टू है। तो ये रहा आपका LHS पार्ट, ये रहा आपका RHS, ये एल एच एस हो गया। एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन। आर एच एस में क्या लिखा हुआ है, 154 मीटर स्क्वायर। तो बस एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन की जगह जो कि एल एच एस पे लिखा हुआ है, उसकी जगह पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन, जो सर्कुलर लॉन है उसका एरिया क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पाई आर स्क्वायर लिखना है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके बदले, एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर जो आर एच एस पे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। तो ऐसे करने से क्या होता है बच्चों, इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ही आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है सवाल में। तो पाई की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका 154 मीटर स्क्वायर। तो हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी तो हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। देखो, तो अब हम R का वैल्यू निकालेंगे, तो हम R स्क्वायर को रखेंगे LHS की तरफ, और 22/7 जो कि LHS की तरफ है उसको हम लाके फिर RHS की तरफ उसको पटक देंगे। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22/7 बिकम्स 7/22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आंसर निकलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये 7 से डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लोएस्ट टर्म करने के लिए मैं अलग पेन यूज करता हूँ, यहाँ पर देखो ये रहा आपका 22/1 से 22, ये डायरेक्टली 7 से कटेगा, क्योंकि 22 × 7 होता है 154। टेबल याद रखो, 25 तक टेबल याद रखो, आपका बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों बेकार में इसको आप लोएस्ट टर्म करके और छोटा करके टाइम वेस्ट करोगे, डायरेक्टली आपको टेबल याद होगा तब ऐसे कर सकते हो। तो टेबल 25 तक याद करो, ठीक है। मेरे जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सबको मैं टेबल याद करवा के रखा हूँ, 30 तक याद करवा के रखा हूँ सबको। मुझे पता है टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है कैलकुलेशन में, इसलिए आपको भी बोलता हूँ याद करना, ठीक है। 25 तक टेबल याद करो। ये रहा कितना, 22 × 7 कितना होता है, 154 डायरेक्टली कट गया। तो 7 × 7 कितना हो गया, 49। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 49। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 49। तो आर का वैल्यू हमें चाहिए, तो अब मैं आपको दो मेथड समझाया था कि आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर रूट ओवर आ जाएगा, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड भी आपको समझाया था, क्या आर स्क्वायर इक्वल टू 49 है ना, तो हमें आर स्क्वायर को वैसे ही लिखो इक्वल टू 49 को हम कौन से नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ R के ऊपर भी 2 है और 7 के ऊपर भी 2 है, तो R के ऊपर जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और 7 के ऊपर जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। मैं आपको यही मेथड भी समझाया था, और सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, क्योंकि आपको चैप्टर वन क्लास एट में स्क्वायर रूट ही पढ़ने वाले हो क्लास एट में। तो ये मेथड आप पहला मेथड सीखो, ये मेथड सीखना जरूरी है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाए, जब ये जो आर स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर जो 2 है ना, जब वो आर एच एस की तरफ जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा, प्लस ये रहा आपका एल एच एस, मैं आपको समझाया था आई थिंक, देख लो और एक बार, एल एच एस ये रहा आपका आर एच एस, ठीक है। तो अगर प्लस से प्लस, एल एच एस में प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड अगर है इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। और एक चीज समझाया था, अगर पावर 2 है, याद रखो पावर 2 है LHS की तरफ, तो RHS की तरफ आने से वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। पावर 2 इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या फिर आपको इसको स्क्वायर रूट बोलो, या फिर आप इसको बोलो 1/2 हो जाएगा पावर उसका, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा, 1/2, याद रखो अगर पावर 2 है तो RHS की तरफ आने से वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या बोलोगे सर, कैसे 1/2, तो 1/2 तो आपने तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। तो देखो इसका वैल्यू तो 7 ही होगा, आपको ये तो समझ लो। तो मैंने आपको जैसे समझाया है कि अगर आर स्क्वायर है यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो पावर यहाँ पर 2 है ना, तो जैसे ये पावर 2 जब आर एच एस की तरफ आएगा,
अब यहाँ पर पूछेंगे बच्चे सर पावर टू को हटाने की क्या जरूरत है, तो बच्चों हमें आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का वैल्यू पाने के लिए हमें टू को तो यहाँ से हटाना ही होगा, तो टू को इसलिए हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो टू यहाँ पर जो पावर बना हुआ है आर के साथ ये उठ के कहाँ चला जाएगा, आर एच एस की तरफ चला जाएगा, तो जैसे ये टू आर एच एस की तरफ जाता है तो वो हो जाता है 1/2, मैंने हमको यहाँ पर लिखा है, अगर पावर टू है तो आर एच एस की तरफ आएगा, यहाँ पर साइड में से कर लेता हूँ, ठीक है, अगर पावर टू है एल एच एस की तरफ, आर एच एस की तरफ जाने से वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ठीक है अब देखो कैसा होता है, तो आर अकेला है, देखो टू यहाँ से जा चुका है, आर से जा चुका है टू, आर एच एस की तरफ पहुँच चुका है वो, वहाँ पर पहुँच के यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, वही टू मतलब वो जो टू है आर के पास था तब टू था, जैसे ही वो आर के पास जैसे वो टू था, जैसे ही वो टू आर एच एस की तरफ आता है, जैसे ही वो 49 के पास आता है तो वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है याद रखना, पावर टू इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना 49 हो, 49 टू द पावर 1/2, इसको तो आपको सॉल्व करने आता ही है, कैसे सॉल्व करना है, 49 को हम लिख सकते हैं बच्चों 7 का स्क्वायर, 49 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ऊपर 1/2 तो पावर है ही हमारा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाता है बताओ मुझे, तो देखो पावर के ऊपर पावर हमने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा ही है, तो पावर के ऊपर पावर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू मल्टीप्लाई विथ 1/2, तो यहाँ पर देखो टू टू कैंसिल हो गया, पावर में ही ऊपर कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 7 बचा, दैट्स वे आर इक्वल टू 7, ठीक है आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट, तो अब तीनों मेथड में कोई भी मेथड में करो, ये तो मतलब छोटे बच्चे का मेथड है, ये जो दो मेथड है ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप स्क्वायर्स जब आप मैं आपको अच्छी तरह स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स के बारे में पढ़ाऊंगा जब क्लास 8 आपका होगा, ठीक है आप चिंता मत करो, सब उससे पहले आप ये मेथड फॉलो कर लो, कोई भी मेथड फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी मेथड फॉलो करो आपको मार्क मिलेगा, ये भी मेथड अच्छा है ये भी मेथड अच्छा है, तीनों मेथड में आपको बता दिया, आपको जो फॉलो करना है कर सकते हो, बट इस ये वाला जो मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्क्वायर रूट वाला, उसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है, ये 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, आर ए का वैल्यू निकला है, अभी एरिया सर्कमफ्रेंस निकालना है, इतना में ही टाइम चला गया, सर्कमफ्रेंस देखते हैं सर्कमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है 2πr, ठीक है अच्छा, तो हमें आर का वैल्यू यहाँ पर 7 मिला है, तो 2 × 22/7 आर का वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर दो, तो 7 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 2 × 22 कितना था 44, 44 सेंटीमीटर हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ हमारा आंसर निकल के आता है 44 सेंटीमीटर था ना मीटर था, एक मिनट देख लेते हैं क्या था सवाल में, मीटर था सॉरी बच्चों मीटर था, तो यहाँ पर मीटर होता है हमारा, ठीक है, तो यह हमारा सर्कमफ्रेंस यहाँ पर हमारा निकला 44 मीटर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, कैसे पावर टू इधर आता है तो 1/2 हो जाता है पावर, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है, और अभी तक वही चैन बोलूँगा नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, क्योंकि मुझे अभी तक 10 के सब्सक्राइबर मुझे अभी कंप्लीट करना है, अभी तक हुआ नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं जो मुझसे आगे निकल चुके हैं, और मुझे पता है मैं क्यों ये पीछे रह गया, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो लूप होल्स जो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लूप होल्स, वो मुझे पता है मुझे कि वो हमारा मेरा चैनल पीछे है, तो उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, वीडियोज नहीं आ रहे थे मुझे पता है 3 महीने से बहुत मतलब बिजी था मैं, तो अब रेगुलर वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।